सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। भाई भाई है हमारे साथ, लेकिन एक चीज़ बतावांगे, इन्होंने पीछे कुछ देखा था 80 से 90 किलो सामना जो कि इनके हाथों से कटवाया था, और भाई ये बताना चाहूँ हैं लेकिन इनकी जान न खतरा है, ये खुद बताऊँगे अपने। बोलो जी, 80-90 किलो सोने का मैंने पता है, मैं बताना चाहूँ सरकार ने, बाकी मन मेरी जान का खतरा है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट से मोदी जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, बाकी जी मैं अनपढ़ आदमी बोलना को नहीं आओ, कोई गलती हो माफ़ करिए। चलो और आगे बतावाएं भाई, बैठ के बतावाएं। हाँ, बैठ के खुलासा करना चाहूँ जी, बाकी मैंने जो मेरी जान में खतरा है जी, मैं हर जगह अप्लीकेशन लास्ट के कौन सुनाई हुई, मेरी जान की सेफ्टी करी जाए जी, मैं इसका खुलासा करना चाहूँ। सारी चीज़ का मैं जश्न हुआ हूँ, मैंने देखेड़ा है और मेरे हाथ हाथ खोद के काटेड़ा है। तो भाई और उस टाइम मैंने किम खुआ दिया था जी, उस टाइम मैंने बेहोश हो गया, 3 महीने में होश हुआ था। चलो वो चीज़ आगे बताएं भाई, बताएं और क्या क्या दिक्कत है या क्या क्या। और दिक्कत यह है जी, सरपंच के गांव के ने मेरे साथ रंजीश बाजी यूं कर रखी है, एक जगह जमीन में सोना लिकड़ा था करीब 80-90 किलो। अच्छा, कांग्रेस सरकार में। अच्छा, उस बात का मैं जसवंत गवाह हूँ, उस बात की कांग्रेस सरकार में मैंने पुलिस चौकी में डीएसपी साहब के आईजी साहब के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पुरातत्व विभाग, सब जगह दरखास्त दे ली। तो उस बात को मतलब भाई गांव के कांग्रेस के आदमियों ने वो पैसा मतलब गमन कर लिया, मेरे झूठे दस्तक कर रखे हैं, मैंने वो एप्लीकेशन दे दी, मेरे को 60 लाख रुपए चौकी में दे रहे थे, मेरे घर थानेदार आए, जहाँ मैंने शिकायत कराई उनके मेरे पास सब कागजात हैं, वो सरकार को मैं दिखाना चाहता हूँ। सरकार की संपत्ति है, वो सरकार में जमा हो, और मेरी जान को खतरा है, मतलब कई बार मेरे को एक्सीडेंट भी करने की सोची। मैं काफ़ी साल से अपने बच्चों का पालन पोषण मतलब डर बह के डर के नहीं कर रहा हूँ जी, तो वो सरकार की संपत्ति सरकार में जमा हो, मेरे परिवार की रक्षा करी जा जी, उस संपत्ति का मेरे को भेद है, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे को सजा दी जा, या फिर किसी ने कांग्रेस सरकार के ने वो गमन कर रखा है तो उसकी तफ्तीश हो, उसकी जांच अच्छी तरह करो। 80-90 किलो जी। अच्छा, किलो। हाँ जी, किलो वो एक मतलब घर में निकला था जी, खोद के निकाला था, उसमें खोदने वाला मैं था, मेरे हाथ से खोद के निकलवाया, बाद में मेरे को बोला अगर किसी को बता देगा तेरे को जान से मार देंगे। अच्छा। मैंने उस भय के कारण 2013-14 में एप्लीकेशन दी हर जगह, चौकी में दी और दी, मेरी जान मुश्किल से बचाई, तो ऊपर फिर मैंने भयाणी पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री कराई, उनकी रसीद है मेरे पास, कैरू पोस्ट ऑफिस से करवाई, गांव के उस टे मौके के जो मतलब चलने वाले थे कांग्रेस सरकार के थे, उनने वो सोना गपत कर लिया, पुलिस वालों ने मिलके खा लिया, मेरे को झूठा साबित कर दिया। झूठा साबित कर दिया। हाँ जी, तो उस बात का जसमुद्दीन गवाह हूँ मैं, जहाँ से खोद के निकाला था वो जगह दिखा सकता हूँ, वो सारा प्रूफ दिखा सकता हूँ, सारी चीज़ बता सकता हूँ, उसमें उसकी सीबीआई जांच या मोदी जी ठीक समझे उस डिपार्टमेंट से जांच कराई जाए, और मेरी जान को खतरा है, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, मेरे बच्चों को या मेरे को मार सकते हैं। उस बात का मैं भाई प्रधानमंत्री श्री मोदी नरेंद्र जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी रक्षा करी जा, मेरी को सिक्योरिटी दी जा, मेरी जांच करवाई जा, वो मेरे पास सारे कागजात हैं जी, मैं कागजात दिखाने के लिए जगह बताने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मेरी सुनाई नहीं है तो शायद मेरी भाई कुछ भी टाइम नहीं लग सकता, मतलब मौत भी हो सकती है, उनको इस खबर के बारे में जैसे ही पता लग गया और मेरी मौत हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब वो सोना है कहाँ पर, इसी गाँव में है या? नहीं, वो दूसरे गांव में है जी सोना। हाँ, दूसरे गांव में है, मैं फेरी का काम करता था तो वहाँ खोद के निकलवाया, फिर वो उसने मेरे को धमकी दी, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डिंग में फोटो स्टूडियो को नरेश को बनवाने के लिए दी, उसने वो फोटो रिकॉर्डिंग थी जो फोन में, उसने वो गपत कर ली, उनने कह के वो जपत करवा ली। हाँ जी, तो अब वो मतलब सोना कहीं गबन कर दिया उन्होंने, उस सोने का गबन जो कांग्रेस सरकार के थे उनने और जिस मालिक के लिकड़े थे उनने गमन कर लिया, कुछ पुलिस वाले ने कर लिया, मेरे को झूठा साबित कर दिया, और मैंने मेरे आंखों के सामने हाथों से खोद के निकाला था जी। अच्छा, सोने की गिन्नी लिकड़ी थी 1100 साल पुरानी। अच्छा, सोने की गिन्नी। हाँ जी, सोने की गिन्नी। तो मतलब कितना किस वो पुलिस किस चीज में था सोना? वो जी पीतल की देख बताते हैं, उसमें मैंने तोल के तो देखा नहीं, जो बता रहे थे जो उन पर उर्दू अरबी लिखा हुआ था, जिसने मतलब बताया खोद के कढ़ाया, मैं मजदूर खोदने वाला था जी,
मेरे से खुद, तो मतलब आपने ही निकाला सुनने पे? हाँ, मेरे से खुदवाया गया था जी। और उसके बाद में मेरे को पता नहीं खोदते टाइम किस चीज़ में क्या खिलाया मेरे को, मतलब शरीर सुनना वगैरह पता नहीं चला जी। एक साल तक मेरे बच्चे स्कूल में नहीं गया, 3 साल तक मैं बीमार रहा। मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट देख सकते हो, मेरे बच्चे 1 साल तक घर रहे, 1-1.5 साल। स्कूल वालों ने बोला भाई बच्चों को पढ़ा, मैं भी पढ़ाने में असमर्थ हूँ, तो उनने मेरे पास पैसे नहीं लिए, आज भी उनके पैसे बाकी हैं। मैं मेरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जैसी भी अपना टाइम पास कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो अब मतलब जैसे कि कितने साल पुरानी होगी ये बातें? ये 2013 और 2014 की बात है जी। अच्छा। उसके बाद में मैं घुट घुट के ने डर के ने अपना फेरी का धंधा करता हूँ जी। अच्छा। और मेरी कभी भी कुछ हो जाती है, बस चलती है तो मैं बसों में जाता हूँ, यहाँ से लुक के बैठता हूँ, 5 दिन कहीं रहता हूँ, 10 दिन कहीं रहता हूँ, बच्चों को भी नहीं बताता, फ़ोन पे भी नहीं बताता, तो अपना बाहर जाता हूँ 5-10 दिन फेरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ जी। अब 4 महीने हो गए लॉकडाउन में, घर हूँ जी, कहीं नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब है, गोली दवाई ले रहा हूँ। और भिवानी टेस्ट करवाने के लिए बोले, वहाँ के मेरे पास पैसे नहीं जी। इंदिरा गांधी ने टंकी दी थी तो कांग्रेस सरकार के मतलब आदमियों ने जिनका ठेका था, मेरे कनेक्शन नहीं रहा, खाली टंकी दे दी, मेरी टंकी का कनेक्शन पास दिखा दिया। अच्छा। तो शुरू से मेरे साथ मतलब कांग्रेस वाले ये करते आ रहे हैं भाई इसको दबा लें, भाई ये गधा है। और है वो रिकॉर्डिंग, अगर मेरे को मिल गई, मेरे पास है भी, तो मैं सरकार को दिखाऊंगा, नहीं वैसे बताऊंगा। मैंने फोटो स्टूडियो को दी थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उन आदमियों ने उसको मतलब कैसे भी धमका के बुझा के पैसे दे के वो मेरी ख़त्म करवा दीजिए। तो आपको रिश्वत देने की भी? हाँ, चौकी में रिश्वत देने की भी सोची। मेरे को 5 लाख से खरीदने में शुरू हुए थे, 60 लाख तक रुपए तक जो मेरा गवाह था प्रमोद बाणिया, उसने मतलब उस पर मेरे फायर माप साइन करके दे रखे, मेरे पास 1 रुपया लैंड को नहीं था, उसने मेरे कागजा पर सारे पैसे लाए। बाद में वो मेरे को खरीदने के सोचे, मैं भी क्या नहीं जी। और मेरे घर प्रमोद राजेंद्र थानेदार को लेके आया, उसके नंबर भी है, डेट तारीख मैंने सब कुछ लिख रखी जी। SP साहब को भी फ़ोन करा मैंने, IG साहब को फ़ोन करा, उनकी मेरे पास सारी लिखित है डेट, वो टेम तारीख, वो मैं सब दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ जी। तो भाई देखो, करीबन 6-7 साल पहले 13 या 14 ही घटना है, उस दौरान एक सोना निकलता है कम से कम 80-90 किलो, और ये फेरी लगाते हैं, उन्होंने बताया। तो फेरी लगाते हुए देखा भाई इसको इससे निकलवा लें, और इसे निकलवा लिया, और वो इन्होंने निकाल दिया। काफ़ी पुराना सोना था वो, 1100 साल पुराना था जी। 1100 साल सोने की गिननी बता रहे थे, 12 ग्राम की गिननी थी। मतलब कह के निकलवाया था भाई, यहाँ खोद दो, खड्डा खोद दो। नहीं, उसने वो जैसे बाणिया है जी, गरीब परचुन्नी की दुकान है, उसके मेरे 10-15 साल से संपर्क थे, तो जैसे उसके घर में मैं जाया करता जी, मेरे से सूट शर्ट लिया करता, उनको पहले पता था भी अपने घर में सोना दबाया हुआ, किसी ने बताया होगा, तो वो मेरे को बुढ़ा फुसला के मैं 2-3 महीने नाटता रहा, जैसे मतलब पता नहीं मेरे को क्या खोया खैने, मतलब खुदवा के निकलवा लिया गया जी। और निकलवाने के बाद उनने 2,52,000 आदमी, जिस आदमी ने बताया था उनको 2,52,000 रुपये नकद दिए, वो भी मेरे पास लिखित है। और दूसरी बात जी, वो अपने सोने का बैग भर के ले गए, हम उनको फिरोजपुर झिरका मेवात छोड़ के आए, बाणिया और मैं और बाणिया का जमाई, ये है जी टोटल घटनाक्रम ये है। हाँ, टोटल घटनाक्रम ये है जी। अब मेन बात ये है, मेरी जान को खतरा है, वो कभी मेरे को मरवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, मेरे पीछे कई दिन से पड़े हुए हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है मोदी जी से, भाई इस कार्रवाई की जाँच करवाएं और मेरी जान की रक्षा करवाएं। बिल्कुल। तो देखो भाई, अगर मान लो इतना किए तो कई करोड़ों का मामला हो गया, क्योंकि 80 से 90 किलो सोना तो काफ़ी करोड़ों रुपया हो गया। वास्तव में अगर धमकी मिली है, अगर ऐसा कुछ है, तो इनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। और ये जो कि तसंदीद है बता रहे हैं, सारी एविडेंस मतलब सारी बस लिखित में, हाँ लिखित में अप्लीकेशन दे रखी है, रजिस्ट्री करवा रखी, उनकी रसीद है जी, जो अप्लीकेशन दे रखी है वो भी है, जो मेरा गुआ प्रमोद है वो भी है, मनीराम शर्मा और प्रमोद मेरे को बाणिया को लेके गए, वो बाणिया आया, वो बाद में इनने मिल लिया, 2 करोड़ में फैसला कर लिया, मेरे को इनने खरीदने की सोचे, मैंने पैसे नहीं लिए, मैं भिवानी भी गया, सबके पास गया, मेरे को खरीदने के सोचे भी तेरे को पैसे दे देंगे, वो इतने ले ले और ले ले, भाई सरकार की संपत्ति है, मैं पैसे नहीं लूँगा, कल ने मैं दरखास्त दी है तो मैं फंसूँगा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया जी, मेरी जाँच करवाई जाए। और 20 साल से 50 साल से जितनी मेरी उम्र है, मेरे बाप दादा की, वो मेरा बैंक बैलेंस या मेरी कहीं भी संपत्ति हो चेक करवाई जाए, अगर मैं दोषी हो तो मेरे को सजा दी जाए।
चलो भाई इन्होंने बताया आज जैसे कि भाई अगर मैं दोषी हूँ तो सज़ा दी जाए, अगर वो जैसे इन्होंने बताया कि भाई क्या नाम खुदवाते समय 80-90 किलो सोना मिला था उसकी जांच करवाई जाए, चाहे सीबीआई जी से चाहे किसी चीज़ से कराओ, उसको सरकार कब जम ले, क्योंकि सरकार का धन है वो 1100 साल पुराना सोना गिनी है जो कि उन पर लिखा भी और पुरानी भाषा में कुछ है अरबी उर्दू अरबी में लिखा हुआ था जी, उन पर अरबी उर्दू में लिखा है सोना है और कुछ कनात में जैसे कुछ बर्तन में पाए गए हुए हैं। हाँ वो जैसे कोई पीतल की देग होती है क्या होती है जी बोलते हैं उसमें मिला था और वो थाली भर के निकाली वो अपना बैग भर ले गए, बाद में 3 महीने बाणी में मेरे से इतनी रखे, बाद में मेरे को धमकी दे दी भी 10 लाख ले ले 20 लाख ले ले, मैंने पैसे को लिए मेरे को मारने की धमकी दी, मेरे पर रिकॉर्डिंग थी मैं फोटो स्टूडियो को मतलब सीडी बनवाने के लिए दी तो उसने वो रख ली जी। बिल्कुल ये है जी, चलो बाकी तो कागजात मेरे पास सारे हैं जी और मेरे की जान को खतरा है, मेरी सरकार से अनुरोध है। मान लो जैसे सरकार पूछेगी तो आप बता देगा? हाँ सरकार पूछेगी तो मैं जगह दिखा दूंगा, बता दूंगा, सारी चीज़ बता दूंगा जी, सब चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। सरकार का मतलब भाई सरकारी गवाह या सरकार मेरे को मदद दे, मेरी मतलब सेफ्टी करे, मैं सारी चीज़ बताने के खुलासा करने के लिए तैयार हूँ जी। अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मेरे को सजा दी जा। देखो भाई बहुत बड़ा खुलासा करा है, इससे बड़ा खुलासा मेरे ख्याल से तीवती कोई हो नहीं गा, और ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि यह खबर विभाग तक ही पहुँच जा, मुख्यमंत्री जी तक ही पहुँच जा और मोदी तक ही पहुँचा दे इस खबर ने। तो कैरू से और भी कुछ है ना जी? आनंद नाम है जी, खटीक जाति से हूँ, हरिजन है, मैंने मोदी जी से भी संपर्क करने की कोशिश करी जी, पीएम हाउस का नंबर लिया मैंने, 2-3 बार फ़ोन करा, मैंने दूसरा नंबर ले रखा है मेरे पास, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। हाँ बताओ बताओ। तो इन्होंने भाई पीएम तक का नंबर ले लिया यो खबर देने खातर, अभी जैसे 80-90 किलो सोना जो निकले है उसकी बता दूं और उन्हें पकड़ा दूं जो कि सरकारी संपत्ति है एक किस्म की, क्योंकि ये देखो जी आप इसकी फोटो वीडियो बना लेना, मैं किसी से आप वर्गे से पूछ के ने और आप से भी मैंने पहले बात करी जी, मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। यो भाई श्री प्रधानमंत्री जी का नंबर है, इस नंबर पे मैंने लिख रखा है, इस पर 2-3 बार बात करने की सोची, नरेंद्र मोदी जी का है जी, इस पर मैंने नंबर पे कॉल करी, इस पर उठाया कोनी बात को नहीं। और इस पर बात को नहीं, दोनों साइड ने मोदी जी के नंबर लिख रखे हैं क्योंकि बहुत मोटा सौदा गमन हो रहा है 80-90 किलो सोना, तो भाई उस विषय में इन्हें ये फोन नंबर पर बात करने की सोची लेकिन हो नहीं इसकी किस कारण, चलो जो भी कारण है भाई कई बार हो जाए, लेकिन ये भी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि ये इन तीन पहुँच जा विभाग पहुँच जा और पूरी इनकी सूचना लें और भाई इनसे बुझ जाएँ और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले और भाई जैसे इन जो जिसने भी गबन करे 80-90 किलो सोना वो बरामद करें और वो सरकार अपना। छोटी सी और रिक्वेस्ट है जी मेरी। हाँ बोलो। मेरे को सेफ्टी मिलनी चाहिए जी, आज भी मेरी मौत हो सकती है, मरवा सकते हैं प्रशासन या मतलब कोई भी अधिकारी देखे तो मेरे घर भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मेरे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो भाई इनका कहना है भाई मैंने कोई भी मरवास कहे क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा करूँ हूँ, इतना बड़ा खुलासा है क्योंकि करोड़ों का खुलासा करूँ हूँ तो उस दौरान मेरी मौत करवा सकते हैं, बड़े बड़े आदमियों का हाथ है जी। अच्छा अगर ये खबर देखेंगे और देखेंगे तो मेरी मौत हो सकती है, प्रशासन तुरंत मेरे को सिक्योरिटी दी जा या अपनी हिरासत में लिया जा, मेरे बच्चों की और मेरी सेफ्टी करी जा जी। सेफ्टी करी जा भाई, देखो मेन रोड का घर है, इन खतरा है क्योंकि इतना बड़ा खुलासा करा है, इन आज कोई भी मार्श का है तो इनका कहना यो है मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जा या मन और कितने रखे जावा क्योंकि आड़े मन खतरा है क्योंकि उन अगर बेरा पट गया तो इन्हें मरवा देंगे, इसका कहना यो है। तो जैसे कि और बात और कुछ बात बस ये है जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं तो ये कहूँ मेरे को सिक्योरिटी मिली जा रही, इस चीज़ का जो भी सरकार पूछना चाहे उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे पास सारे कागज़ हैं, जो एप्लीकेशन जहाँ भी लगाई मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा जी मैं। तो आनंद इनका नाम है और कैरू इनका गांव है, तो भाई बहुत बड़ी खबर लिख कर क्या ही ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत भाई।